राम वंदे मातरम, हर हर महादेव। आज हम आपको एक और बहुत दुर्लभ जानकारी लेकर के उपस्थित हैं आपके लिए। और आप समझो कि जो लोग हजारों लाखों की दवाइयां करते हैं उससे भी निजात नहीं पाते हैं, डॉक्टर लगातार दवाइयां चलाते रहते हैं, चूँकि नाड़ियों के आधार पर चिकित्सा होती नहीं है तो मूल रूप से समस्याओं का ज्ञान नहीं हो पाता। वो तो रिपोर्ट में आपको जो कंटेंट या जिस अंग में जो बदलाव दिखते हैं वो उन्हीं को डायग्नोज कर पाते हैं, लेकिन वो कारण कहाँ से उत्पन्न हुए उस कारण को खत्म नहीं कर पाते हैं, तो बीमारियाँ ठीक नहीं हो पाती हैं। घातक से घातक बीमारियों को, जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में देखिए बताया कि भूमि नाम की जो छोटी सी औषधि है वो सर्पदंश में मृत हुए, मतलब जिसके प्राण पूरी तरीके से ना निकले, वो बेहोश भी हो गया हो इंसान, तो आप मुंह में नहीं ले पा रहे हैं तो एक चम्मच नाकों में सिरिंज के माध्यम से भी अगर आप डाल देते हैं तो वो व्यक्ति 5 मिनट के भीतर ही उठ करके बैठ जाएगा। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, एकदम आजमाए हुए टेस्टेड चीज़ें हैं, वो हम बहुत ही सर्टिफाइड होने के बाद ही आप लोगों तक पहुंचाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही जो अधकपारी बीमारी होती है, वैसे अधकपारी तो पित्त बढ़ने के कारण ज़्यादा होती है या वायु के कारण पित्त बढ़ने के कारण होती है, लेकिन प्रकृति में ऐसी चीज़ें छुपी हुई हैं जो आश्चर्यचकित करती हैं, हम जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते, या चूँकि आज का साइंस उल्टे सीधे ढंग से चीज़ों को विस्तार दे रहा है तो वो हमें बरगलाता है। हमारा विज्ञान उसको छुपाया गया, उसके बारे में लोगों को दूर किया गया ताकि नए नए इंडस्ट्रीज खड़ी हो सकें और वो चीज़ें लोगों को निचोड़ सकें पूरी तरीके से। अधकपारी नामक जो बीमारी है, आधे सराधा सीसी भी बोलते हैं, इस बीमारी में आप बिल्कुल सहज तरीके से 1 रुपये खर्च किए बिना और 1-2 बार के प्रयोग से पूरी तरीके से आप ठीक हो जाएंगे। करके देखिए, चमत्कार का गुणगान करिए, आयुर्वेद को नमन करिए, इनका सम्मान करिए, इनका विस्तार करिए, लोगों तक पहुंचाइए, पुण्य के भागी बनिए। जब हम अपना दुख दूर करने के साथ साथ दूसरों का भी दुख दूर करेंगे तो ही हमारे कर्म, हमारी ऊर्जा बलवती होगी और हम तभी मोक्ष के अधिकारी कह लीजिए या शांति के अधिकारी बन पाएंगे और हमारी चेतना और ज़्यादा विस्तार लेगी। जब हम बेहतर करेंगे तो प्रकृति स्वयं हमारे साथ आगे आ जाएगी, हमारी मदद करेगी भिन्न भिन्न रूपों में, भिन्न भिन्न प्रकार से, और हमें लाभान्वित करेगी। लाभ का अर्थ सिर्फ धन से ही नहीं जोड़ना चाहिए, धन तो आवश्यक है लेकिन उतना कि धन ही न खाएं, धन ही न पिए। तो करें क्या आप अधकपारी की स्थिति में किसी भी दिन, जरूरी नहीं कि इतवार हो, मंगल हो, सोमवार हो, बुधवार हो, किसी भी दिन आप कोई बबूल का पेड़ देखिए, विशेष करके देसी बबूल, इसे देखिए हम आपको पहचान कराना, ये देसी बबूल है। देसी बबूल की पत्तियाँ बहुत छोटी छोटी होती हैं, ये देखिए वृक्ष है बबूल का, बगल भी बबूल का वृक्ष है। तो चूंकि हमें ये जानकारियाँ जो मिलती हैं इस प्रकार के गूढ़ रहस्य, चूँकि ऋषि मुनियों के संगत में, संतों के संगत में, आचार्यों के संगत में रहने के कारण उनके पास दुर्लभ दुर्लभ जानकारियाँ हैं, तो उनकी कृपा से हमें कुछ ऐसी जानकारियाँ मिलती हैं जो जिन्होंने चमत्कार दिखाए हुए हैं अपने अपने रूप में। तो करना क्या है कि ये बबूल का पेड़ है, बबूल के पेड़ का जो ये भी उसकी टहनी है, डाल है या उसका जो तना है, उस तने में आपको जाना है, तने के पास वहाँ जाके सर नहीं पटकना है, आपको 7 बार अपने इसी सर को इस टहनी पे, जैसे इस प्रकार से अगर आप देखें तो यहाँ पे आप यहाँ पहुँचें, और इसको टकराना नहीं है कि आप टकरा के सर ही फोड़ लीजिए अपना, इसको बस आप ऐसे स्पर्श कराइए 7 बार, 7 बार ऐसे स्पर्श कराइए भावपूर्वक, इनको प्रणाम करिए कि आप ही के अंदर ही वो दिव्य शक्ति है जो हमारी नाड़ियों में आए इस बदलाव को, जिसके कारण हमारे नर्वाइन सिस्टम पूरे एकदम विकृत रूप में रहते हैं, वहाँ के जो स्पार्क हैं, इलेक्ट्रिकल स्पंदन हैं, और जो स्नायु तंत्रों की ये विकृति है पूरी तरीके से इनसे बैलेंस हो जाती है। ये क्या चमत्कार है, किस प्रकार हो जाता है, नाड़ियों के साथ कैसे इंटरफेस करता है, ये तो धन्वंतरी देव जानते हैं, लेकिन ये ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों को था, पीढ़ी दर पीढ़ी आती थी, कुछ भिन्न भिन्न प्रकार की उन्होंने पुस्तकें लिखी, उसमें उन्होंने ट्रांसफ़र किया। इससे होता यह है कि अलग अलग प्रकार की बहुत सारे रिसर्च पेपर, बहुत सारे जर्नल्स पब्लिश हुए हैं, उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन हैं कि कैसे प्रकृति में भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हमारे नाड़ी चक्र में बदलाव ले आते हैं, इवन कैंसर तक में कितने नोबल लॉरिएट हैं जिन्होंने अपने बच्चों का इलाज पौधों को पकड़वा करके, वृक्षों को पकड़वा करके, जब वो जान गए कि इलाज कहीं संभव नहीं हो पा रहा है तो उन्होंने कैंसर को जो है रिट्रीव किया, उसको ठीक किया, पूरी तरीके से क्योर करवाया।
तो आपको सिर्फ 7 बार इस सर को स्पर्श कराना है और इनको प्रणाम करना है, इनका धन्यवाद देना है। एक दो बार के प्रयोग से आप अधकपाली नामक बीमारी आधा सीजन मुक्त हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। लाखों करोड़ों की दवाओं, रोज के झंझट से छुटकारा, आनंदमय जीवन जिए, लेकिन प्रकृति का सम्मान करिए। जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। ऐसे ही चमत्कारिक और चमत्कार के योग के लेकर के आप लोगों के समक्ष हम पहुंचाते रहेंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों तक इस मैसेज को जरूर पहुंचाएं, और अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, भारत का गुणगान करें, भारत की समृद्धि के लिए आगे आएं, और लोगों की हेल्प करें, मदद करें। बहुत सारे विज्ञान को और हम आपके साथ ऐसे पहुंचाते रहेंगे जो हमारे प्रकृति से जुड़े हुए हैं, और आप लोगों को लाभान्वित करते रहेंगे। जय सिया राम।